वाराणसी में दो मकान गिरे हैं। विश्वनाथ मंदिर के पास ये मकान गिरे हैं। मलबे में 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस के जवान पहुंचे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां मलबे में 8 लोगों के दबे होने की आशंका है, मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस के जवान पहुंचे हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक मलबे के नीचे 8 लोगों के दबे होने की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, और ये देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है किस तरह से टीम उत्तर प्रदेश की वाराणसी में मौजूद है। और ये हादसा देखिए कैसे हुआ है, उसकी तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। मकान गिरने की वजह से 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। फिलहाल मौके पर फोर्सेस की मौजूदगी है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और देखिए 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। और हरीश शुक्ला इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ हरेंद्र, क्या अपडेट है ये बड़ी जानकारी, जहां मकान गिरने की वजह से 8 लोगों के दबे होने की आशंका है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि रात को ठीक 3 बजे भोर में काशी विश्वनाथ धाम के येलो जोन में, चूंकि येलो जोन में एरिया आता है, उसमें 2 मकान काफी जर्जर थे। वो मकान लगभग 70 साल से भी ज्यादा पुरानी मकान है और जो है एक मनीष गुप्ता और एक अनिल गुप्ता का मकान है। और ये लोग विगत 10-15 दिनों से लगातार नगर निगम में अप्रोच कर रहे थे कि मकान मेरा जर्जर हो गया है, इसको गिरा दीजिए। तो बीती रात 3 बजे ये मकान, दोनों मकान जो है जमींदोज हो गए। और इसमें चूंकि वहां विश्वनाथ मंदिर के सुरक्षा में पुलिस के जवान भी बैठे रहते हैं मकान के अगल बगल,